विदिशा जिले के पठारी में जिला सहकारी बैंक में एक किसान के बैग में से 50,000 रुपये अज्ञात किशोर ने चुरा लिए। यह घटना बैंक के कैमरे में कैद हो गई। बाजार में घूमते हुए चोर की तस्वीरें व्यापारियों के कैमरे में भी कैद हो गई। उसके बावजूद भी 2 दिन गुजर जाने के बाद चोरी का सुराग नहीं लग पाया है। बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्य बाजार स्थित जिला सहकारी बैंक में दादाखेड़ी निवासी ओम राज सिंह ठाकुर ने बैंक से 83,000 रुपये निकाले, जिन्हें एक थैला नुमी बैग में रख कर दूसरे चेक का भुगतान के लिए लाइन में लग गए। इसी बीच एक अज्ञात लगभग 14 वर्षीय किशोर ने 83,000 में से 50,000 रुपये चुरा लिए। बैंक से निकलकर वह बस स्टैंड की तरफ चला गया, जिसकी तस्वीरें बैंक और व्यापारियों के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित किसान ओंकार राज सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला सहकारी बैंक में रुपये निकाल कर बस स्टैंड पर स्थित सोसाइटी में पहुंचकर बैग में देखा तो 83,000 रुपये में से 50,000 रुपये गायब थे। बैंक में 500 नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी, बाकी के रुपये बैग में मौजूद थे, जिसमें खोजबीन करने पर बैंक पहुंचा, जहां CCTV कैमरे में देखने के बाद पता चला कि एक अज्ञात लगभग 14 वर्षीय किशोर उसे ले गया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। यहाँ पे 12 बजे बैंक में आया था, 12:36 पे मैंने पैसे निकाले, 12:30 बजे लगभग मैंने पैसे निकाले था। एक चेक बनवाया मैंने, क्या कहते हैं, 13,000 और दोनों गिट्टियाँ मैंने रख ली अपने थैले में। उसके बाद मैं दूसरे चेक की कार्रवाई चल रही थी, उधर 2 चेक लाया था मैं, तो उसमें दूसरे चेक में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उस कारण मैं इस थैले में से ऐसा करके इसको थैले को ऐसा करके इसमें रखे थे वो पैसे, उसमें से मैंने चेकबुक और पासबुक निकाल के कैशियर साहब को दी। उतने में उसने लड़के ने थैले में से पैसे निकाल लिए। आपको कितनी देर बाद पता चला? मुझे 1/2 घंटे बाद पता चला, जब मैं यहाँ से उधर गया जी, सेक्रेटरी साहब उधर बैठने लगे हैं, अपने बैंक बनने गया मैं उधर, दूसरी बैंक बनना थी, KCC बनना था, मैं उधर गया, मैंने उधर पैसे निकाले तो उसमें एक गिट्टी कम मिली। किस गांव से आया, क्या नाम है? मेरा नाम ओम राज सिंह ठाकुर है, मैं ग्राम दाऊदखेड़ी का निवासी हूँ, ग्राम दाऊदखेड़ी जिला विदिशा तहसील पठारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।